नमस्ते दोस्तों, आज जो है मैं ब्लू हेवन के सॉफ्ट काजल आईलाइनर का रिव्यू करने वाली हूँ। ये जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसका ओरिजिनल प्राइस 125 रुपीज़ है, पर मैंने जो है इसे मुझे ये जो है डिस्काउंट पे 80 या 90 रुपीज़ में purple.com से मिला है। तो ये आपको जो है बहुत ही अफोर्ड 80 या 90 रुपये में जो है आराम से purple.com से मिल जाएगा डिस्काउंट के टाइम पे। और इसका कलर बहुत ही सुंदर है, ये पिकॉक ब्लू कलर होता है, कुछ वैसा वैसा ब्लू कलर है, बहुत ही सुंदर ब्लू कलर है। और ये जो है लाइनर एज अ आई लाइनर मुझे बहुत पसंद आया। काजल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट लाइनर मैं यूज़ करती हूँ, तो एज अ आई लाइनर मुझे ये बहुत पसंद आया। और ये स्मूदली जो है ग्लाइड हो जाएगा, स्मूदली ग्लाइड हो जाता है, एक स्ट्रोक में इसका जो है कलर आ जाता है पूरी तरह से अच्छे से। और ये जो है वाटरप्रूफ तो नहीं कहूँगी, पर अगर आप इसके ऊपर पानी गिराते हैं तो ये आपके आँखों पर से नहीं जाएगा, बट पानी गिरा के जब आप इसे स्मच करते रगड़ते हैं तब ये जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सिर्फ पानी गिराने से नहीं जाने वाला है, और स्मज प्रूफ नहीं है, ये स्मज प्रूफ नहीं है। आगे जो है सारे टेस्ट जो है मैं स्मज प्रूफ वाटर प्रूफ ये जो है मैं वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो स्मज प्रूफ नहीं है, स्मज होता है, पर मैंने इसे आई लिड्स पे जो है आप देख सकते हैं लगा के रखा है, 6 घंटे हो गए हैं। ये जो है हल्का सा यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, इस ये स्किन मेरी यहाँ पे ऐसे चिपक जाती है, तो यहाँ से जो काजल ये लाइनर है यहाँ पे हल्का सा ट्रांसफ़र होता है, हल्का सा। तो दोनों आँखों में जो है ये लाइनर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ और कहीं भी ये स्मज नहीं हुआ है, और 6 घंटे हैं ये मेरे आँखों पे अभी तक है। पर हाँ, इसका कलर की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, कलर की इंटेंसिटी कम हो जाती है, पर वो देखने में अच्छा लगता है। कम हुआ है, हल्का हुआ है, फिर भी अच्छा लग रहा है। तो इसका स्टेइंग पावर मुझे अच्छा लगा। ये 6 घंटे तक जो है थोड़ा सा कलर कम हो जाएगा, पर आपकी आंखों पे रहेगा और हल्का सा यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, हल्का सा ट्रांसफ़र यहाँ पे होगा, और कहीं पे ये स्मज या कुछ ऐसे फैलेगा नहीं। तो एज अ आईलाइनर मुझे ये बहुत पसंद आया। हाथ पे आप स्मज करके देखेंगे, मैंने बहुत फोर्सफुली स्मज किया है, तो ये स्मज होता है। पर कुल मिला के मुझे ये काजल जो है काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा लगा। मतलब कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही सुंदर कलर है इसका, स्मूदली ग्लाइड हो जाता है, और लिड्स पे एज अ आईलाइनर काफ़ी देर तक स्टे करता है। थोड़ा सा कलर हल्का हो जाता है, बट स्टे करता है। तो जो टीनेजर्स हैं या किसी के लिए भी बहुत अच्छा, अगर आपको ब्लू लाइनर चाहिए, इसका कलर बहुत सुंदर है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये है ब्लू हेवन का सॉफ्ट काजल आईलाइनर, मैंने जो है ब्लू शेड में लिया हुआ है, और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। आप देख सकते हैं ब्लू और ब्लैक कलर की आउटर पैकेजिंग है। यहाँ पे दिया गया है सॉफ्ट काजल आईलाइनर, और यहाँ पे दिया गया है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, इंटेंस कलर है, स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और यहाँ पे ये शार्पनर दिया गया है। नहीं, ये आपको इसे शार्पन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो काजल आईलाइनर है ये रिट्रैक्टेबल है, आप इसे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो शार्पनर है वो जो पॉइंट है उसका, जो काजल का पॉइंट आता है, वो कभी कभी टूट के मोटा हो जाता है, तो उसको पतला करने के लिए जो है ये शार्पनर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसे ओपन करके। मैंने ब्लू कलर का काजल लिया है, ये इसकी ट्यूब है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसका ये शार्पनर है, जो कि एकदम से मतलब अच्छे से फिक्स है इसमें। और ये जो है काजल है, आप देख सकते हैं ये रिट्रैक्ट होता है। ज़्यादा नहीं ओपन करूँगी, मुझे लगता है टूट ना जाए, क्योंकि ऐसे काजल जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनकी जो ये है बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये है जो है काजल है, ये जो इसकी ट्यूब है इस कलर का काजल नहीं है, काजल जो है दूसरा ब्लू है, ये कुछ इस तरह का ब्लू है, आप देख सकते हैं। और इसे आप डार्क कर देंगे तो ये और डार्क, ज़्यादा डार्क ब्लू हो जाएगा, तो काफ़ी डार्क हो जाता है। ये तो मैंने निकाल दिया तो ये थोड़ा लाइट दिख रहा है, इसे मतलब काफ़ी डार्क हो जाता है कलर। तो ये जो है ये काजल है,
पैकेजिंग। और इसकी जो है इस पे जो है काजल पे बस सॉफ्ट आईलाइनर काजल लिखा गया है और शार्पनर दिया गया है, और इसकी जो क्वांटिटी है 31 ग्राम्स है इस पे दिया गया है, और इसे मैन्युफैक्चर कहाँ किया गया है वो उसका एड्रेस दिया गया है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है तो, और ये जो इसकी सेल्फ लाइफ मुझे लगता है कि 3 ईयर्स है। और ये जो काजल है इस पे 125 इसका प्राइस दिया गया है, पर मैंने इसे जो है 80-80 रुपए में शायद परचेज़ किया है, बहुत सस्ते दाम में मैंने इस काजल को ख़रीदा है। मच करता है पर ये आईलिड्स पे एज अ आईलाइनर काफ़ी देर तक स्टे करता है, और आईलिड्स पे ये स्मज नहीं करता है, हल्का सा जो है ट्रांसफ़र होता है, बहुत हल्का सा ट्रांसफ़र होता है। पानी डालने से इस आईलाइनर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पानी डालने से ये नहीं निकला, पर पानी डालने के बाद इसे स्मज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बहुत ज़्यादा स्मज करने पर जो है ये स्मज हुआ है।